आदरणीय केसरीलाल यादव, बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म बोल रहा था बोल के लिए खेसारी लाल यादव, कांग्रेचुलेशन। पहले तो दिल से थैंक यू भोजपुरी सिनेमा अवार्ड और मनीष भैया को दिल से प्रणाम, विकास भैया या जितने भी हमारे बड़े भाई डायरेक्टर से लेकर जितने भी हीरोइन हैं सबको दिल से प्रणाम, मनोज भैया, रवि भैया, दिनेश भैया, भाभी राजकुमार पांडे जी, चिंतू भाई, अमरपाली द्विवेदी से लेकर सुभी शर्मा रत्नाकर भैया, जितने भी हैं सबके प्यार से मैं बड़ा हो रहा हूँ और आज मैं इस लायक हूँ भूखी नहीं, आप सबने ही मुझे तय किया है और आप सबने ही बनाया है, इसीलिए सारा हकदार आप सब हैं कि आप अगर नहीं होते तो शायद नहीं इस जगह में नहीं होते, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि मैं लिट्टी चोखा बेच कर यहाँ तक पहुंचा था और मैं ऐसे आदर्श के हाथ से आज मुझे लगता है कि जीवन की मेरी में जितना कमाऊंगा ना और जितना कमाया मुझे आज मिला है कुछ इनके हाथों से जो मिला, जिनको मैं सपने में भी इन्हीं को देखता। मैं इनसे कभी मिलना नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए कि मैं मेरे लिए गुलाब के फूल की तरफ है, मैं इनको छूना नहीं चाहता था ताकि ये बिखर न जाए। शायद था ये मेरे दिल की बातें थी भैया, आप मेरे ऐसे आदर से ना कि जिंदगी में कभी कुछ ऐसा मिल जाता है ना जैसे मेरे माता पिता मेरे जीवन में आए वैसे आप हैं सर, और मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई आज मुझे मिली है और आपके हाथ से मिली है। आज ये फ्रेम यहाँ पे मिला है, मेरे माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी का ये लिखा हुआ है, मैं आप लोग के समक्ष थोड़ा सा समझे और ये जो प्रेम का जो दिए हो ये कुछ दिए खास थोड़ा समझे, ये मैं जो कह रहा हूँ नहीं जाऊं द्वार पे बंद लगा आसन सिद्ध लहरा नाशक पे दृष्टि ठहरा श्वास में सुंद जगा नहीं जाओ नहीं जागृत सदा पलक नहीं सो बहुत खुश रहिए और ईश्वर प्रार्थना करता हूँ कि ये जो प्रेम हम लोगों में है ये सदैव बरकरार रहे और भोजपुरिया ऐसे ही आगे निकलता रहे। लव यू ऑल।